हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों यूपीपीसीएस प्री जो एग्ज़ाम था 28 अक्टूबर को वो समाप्त हो चुका है। तो आइए थोड़ा इसके एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में जानकारी ले लिया जाए कि कहां तक जा सकता है। और दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कटअप मैंने कई लोगों से पूछ कर बताया, ऐसा नहीं है कि मैं अंदाजी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देख रहे थे कि यूपीपीसीएस ने पहली बार नेगेटिव मार्किंग का इसमें रखा था कि नेगेटिव मार्किंग होगा, वो भी 1/3। जो नेगेटिव मार्किंग टफ में आता है, 1/4 तो कुछ आसान भी है, 1/3 में काफ़ी नुकसान होता है। और सीट्स की जहाँ तक बात है तो ऑफिशियल तो अभी 850-900 के लगभग है, लेकिन अभी 1200 प्लस हो चुका है जहाँ तक जानकारी मिली है। तो सीट्स इस बार ज़्यादा है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कटअप जो कम होता है उसके ये दो फैक्टर यही काम कर रहे हैं कि कटअप कम जाएगा, ये दो सिग्नल है कि कटअप कम जाएगा। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन के नेचर को देख लेते हैं। अभी तक तो सबको क्वेश्चन हलवा लग रहा था कि बहुत आसान है, ये है वो है, लेकिन जैसे जैसे आंसर की मिल रहा है सबके नंबर कम हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इजी सेक्शन में देख लेते हैं। इजी सेक्शन और रिपीटेड में हम देख लेते हैं, तो 70 के लगभग आसपास क्वेश्चन था जो इजी और रिपीटेड था, जो लगभग सभी ने बनाया होगा, इसमें कुछ मिनी वगैरह जो गलत हुआ होगा। मॉडरेट में 50 क्वेश्चन लगभग थे, जिसमें कुछ करेंट के भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे और 2017 के भी कुछ क्वेश्चन करेंट के पूछे थे वो। और टफ में दोस्तों, हिस्ट्री का तो सबको पता है कि मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का भी टफ क्वेश्चन पूछा था, और कुछ क्वेश्चन पूछा था पूछो तो जानो। तो दोस्तों, इन सब को मिलाकर अगर देखें तो कटअप मेरे हिसाब से जनरल 85 क्वेश्चन इसमें प्लस माइनस 2 जा सकता है, यानी 83 हो सकता है, 87 भी हो सकता है। इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, सीट भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि ऐसे अगर आप देखोगे तो पिछली बार 600 समथिंग सीट था, तो उसमें कटअप आपको 128 नंबर गया था। तो दोस्तों, वही इसी तरह फीमेल OBC सेम कटअप जाता है, SC ST का कटअप ये है। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि कटअप कम है ज़्यादा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।